धर्मेंद्र जी हमेशा बात करते हैं ईमानदारी, सच्चाई और ख़ास तौर से फीलिंग्स की, जो आपकी फैमिली में नज़र आती है एक दूसरे के लिए ख़ास तौर से, तो उस फिल्म, वो फिल्म को शायद एक फैमिली एटमॉस्फेयर देती है, इसीलिए देओल फैमिलीज़ की जब हमने मूवीज़ जितनी भी देखी है उस प्रोडक्शन की, तो क्या वो चीज़ इसमें भी दिखाई देगी? डेफिनेटली मेरी फिल्म मैं क्या बहुत मुश्किल हो जाता है फिल्म को बताना और समझाना, इसलिए फिल्म देखने के बाद ही जनता को पता चलता है कि इसमें है क्या। हाँ, कहने के लिए डेफिनेटली आई वुड लाइक टू असर्ट दैट कि माय फिल्म इज़ अ फैमिली फिल्म, और बिकॉज मैंने सोसाइटी पकड़ी है, तो सोसाइटी इज एग्जिस्ट ऑफ ऑल द फैमिलीज, और मैंने, मेरा जो विलन है वो एक नॉर्मल आदमी है, बिकॉज हम सब ग्रे हैं आज की सोसाइटी में, तो उसी में से मैंने उसे पकड़ा। और फिर देन अगेन फैमिलीज़ होती हैं जो बच्चों के लिए माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे किस तरह से आगे सोसाइटी में अपना जब कदम रखते हैं क्या गलतियां करते हैं, किस तरह से चीज़ें हिलती जुलती हैं जहां पर सब एक दूसरे के, ऑल द पेरेंट्स गेट एंटैंगल्ड, दैट्स व्हाट घायल इज़ ऑल अबाउट। साथ में लेकिन ये चीज़ देखिए कि यमला पगला दीवाना और उसके सीक्वल में भी आप तीनों नज़र आए थे, लेकिन अभी आगे दिख रहे कि ऐसे कि किस पे तीनों, इस पे काम वर्क हो रहा है कि तीनों एक बारी फिर से नज़र आए? डेफिनेटली फ़िलहाल तो भी मैं घायल की जिक्र कर सकता हूँ, बिकॉज यही मेरी फिल्म है इस वक्त और इससे ही मैं आगे ले जाना चाह रहा हूँ। ऑब्वियसली जैसे मैं हमेशा कह रहा हूँ कि ये फिल्म के बाद मैं आगे तय करूँगा मैं क्या करने जा रहा हूँ, बट यमला पगला जैसी फिल्म हम ज़रूर करना चाहेंगे, बट कहानी हमेशा हर चीज़ की एक स्ट्रेंथ कहानी होती है। पिछली बार थोड़ा हम चुक गए थे, अगली बार नहीं चाहते कि सेम ऐसी गलती करें, एंड सो लेट्स होप दैट माय फिल्म इज़ सक्सेसफुल एंड यू ऑल एनकरेज मी टू डू मोर सिनेमा। गुड। अच्छा एक बात सही, और कि हमेशा आजकल के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सब इस बात पे वोट लेते हैं, उनको वोट इसी बात पे मिलते हैं, इसी बात पे कुर्सी मिलती है, चाहे मोदी जी की बात करें हमारे प्रधानमंत्री, चाहे केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कि करप्शन को वो हटाएंगे। करप्शन बहुत ज़्यादा इस वक्त बढ़ गया, और अगर घायल में हम देखें उसमें आपने उसी पे फोकस किया था, तो उस घायल वंस अगेन में भी उसी चीज़ को आप ला रहे हैं? नहीं, घायल में कुछ करप्शन के ऊपर तो इशू नहीं था, दैट वाज नथिंग अबाउट करप्शन इन दैट फिल्म, इट वाज अबाउट करप्शन इज द अंडर करंट ऑफ द सोसाइटी, बट वो कहानी वो नहीं थी, वो तो एक भाई और दो भाइयों के बीच में थी, कैसे एक बिजनेसमैन और गंदे बिजनेस की वजह से पूरा परिवार टूट जाता है, और कैसे वो कहानी उसके ऊपर थी, और ये कहानी बेसिकली आज की जो हमारी सोसाइटी है उसके ऊपर है, और करप्शन तो भी एक इस तरह का एक सिलसिला बन गया कि वो एक हमारी एक सच्चाई बन चुकी है, तो वो कब और कैसे बदलेगी, वो तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, अगर हम खुद अपने आप को बदलेंगे तो सब चीज़ बदल सकती है, किसी से कह के कुछ नहीं बदलेगा, पहले खुद को बदलिए। और मेरी फिल्म का भी जो डायलॉग है जो मैं यूथ के साथ बहुत कनेक्ट है वो ये है, अगर हम सच के साथ हैं तो हमें जीतने तक हार नहीं माननी चाहिए। आई थिंक अगर हम उस तरह से चलें तो आई एम श्योर टुमारो विल बी फार फार बेटर देन वी कैन इमेजिन। फिल्म की रिलीज़ बार बार टली, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आई या कभी बड़ी फिल्म आई किस्से से, तो क्या लगता है कि उससे अब फिल्म को कोई रिलीज़ को इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ठीक है, पहली बात रिलीज़ आगे जाए पीछे जाए ये सबके अपने अपने रीजन होते हैं, एज अ व्यूअर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैंने जो फिल्म देखनी है तो देखनी है। हाँ, फ्रॉम मीडिया फॉर हर चीज़ के लिए हम उसकी अच्छाई बुराई के बारे में बोलेंगे, अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, क्या रीज़न क्या था, क्यों किया, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आपने इसलिए किया, उसलिए किया, यू नो वी गो थ्रू ऑल दिस प्रोसेस, पर बेचारे प्रोड्यूसर जो फिल्म बनाता है उसके बारे में कोई नहीं सोचता, लेकिन हम सब उसका सत्यानाश करने में लगे रह जाते हैं। कारण तो कुछ नहीं था, कारण यही था कि मेरी जो फिल्म थी वो टेक्निकली रेडी नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे अपनी डेट आगे ले जानी पड़ी, और उसके पहले मैंने कोई और तारीख नहीं दी थी, जबकि सब कहते हैं मैं दिवाली को आने वाला था, मैंने वो तारीख नहीं दी थी। हाँ, लोग कहते थे, मैं उसके बारे में कभी जिक्र ज़्यादा नहीं करता था। सनी, साथ ही में ये देखा गया है कि अब आप ज़्यादातर आते हैं अपनी प्रोडक्शन की फिल्म में ही आते हैं, तो ये हमेशा ये रहता है कि फिल्म आती है, अच्छी फिल्म लाते हैं, आपके फ़ैन फॉलोइंग अच्छे हैं, लेकिन बावजूद इसके कि आप बाहर की फिल्में क्या कभी करेंगे या क्यों नहीं करते? करेंगे नहीं करेंगे, अक्सर जितनी भी फिल्में मैं कर रहा हूँ बाहर की हैं, मेरी खुद की तो एक आधी फिल्म होती है जो मैं करता हूँ, बाकी तो सब बाहर की फिल्में होती हैं।
तो ऐसा तो नहीं है कि मैं बाहर की फिल्में नहीं कर रहा हूँ। वो मेरे को जर्नलिस्ट ने, सबने पूछा था क्या है, तो उस वक्त मैंने ये कह दिया था कि मुझे बाहर के प्रोड्यूसर लेना नहीं चाहते, तो वो ही सब सुनना चाहते हैं। तो उसी चीज़ पर आपके पास भी ये सवाल फिर से मेरे पास आ गया, तो बात वो नहीं होती। बात डेफिनेटली ये है कि जो भी हम अच्छा काम करते हैं वो खुद प्रोड्यूस करके ही करते हैं, बिकॉज हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं उस वक्त। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर की फिल्म या घर की फिल्म। मोहल्ला 80 की बात करें तो उससे कितनी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि बहुत बीच में मोहल्ला कंट्रोवर्सी सी भी की, थी। हाँ डेफिनेटली देर बीन लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज, बट अगेन देन दैट्स द वे इट हैज़ बीन। बट सब लोग जानते हैं कि वो अच्छी एक कहानी है, और यकीनन है कि आई मीन उनके हर आदमी के पास बहाने होंगे, तो हम बहानों के बारे में क्यों जाएं। मुझे यकीन है कि मेरी ये फिल्म लगेगी, ये चलेगी, तो उसके बाद ज़रूर मोहल्ला सी भी लगेगी। चलिए, उसका भी इंतज़ार रहेगा, क्योंकि उसका बहुत इंतज़ार है, इसका भी इंतज़ार है। लेकिन एक बात और, अब कुछ मैं हल्की फुल्की बातें भी करती हूँ जो जानने की हमें, मैं बता देती हूँ कि सनी जो है वो ऑन स्क्रीन चाहे एंग्री यंग मैन दिखते हों आपको, लेकिन ऑफ स्क्रीन जो है बहुत ही अलग नेचर है, बहुत सॉफ्ट नेचर है, बहुत शाई नेचर है। मैं जब मिलती हूँ और सभी ये कहते हैं, तो ऐसे में ऑन स्क्रीन कैसे आप मतलब कि उस वेल ऑन तरीके का स्क्रीन हम किरदार? लोग, हम एक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली तो अगर हम एक्टर अच्छे नहीं होंगे तो हम वो सब नहीं कर पाएंगे। बट इन रियल लाइफ हम एक्टिंग नहीं करते, उस वक्त हम ही रहेंगे लेकिन जो, रियल लाइफ में आपको उतना गुस्सा आता है? देखिए गुस्सा जो भी हम पोर्ट्रे करते हैं कहीं ना तो कहीं हमारे अंदर है, तभी हम उसे पोर्ट्रे कर पाते हैं, नहीं तो कैसे करेंगे। बट गुस्सा करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अनलेस एंड अनटिल कभी नौबत आ जाए तो। दूसरी चीज़ मैं ये चाहूँगी कि 2.5 किलो का हाथ इतने साल पहले भी था और आज भी वो बरकरार है, हम देख रहे हैं, तो ये ऐसा कैसे हो गया? ये ऐसा कैसे हो गया, मैं खुद सोचता हूँ ऐसा कैसे हो गया। नहीं, आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन हु हैज बीन इनटू स्पोर्ट्स, एंड हमेशा मैं लाइक टू बी फिट, एंड बिकॉज दैट गिव्स मी पॉजिटिवनेस, तो वो हमेशा मेरे साथ रहा है। एंड बिसाइड्स दैट मैं आई डोंट हैव एनी ऑफ दीज वाइसेस लाइक ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, सो आई बीन ब्लेस्ड कि मैं वो नहीं करता। एंड अगर एंड स्पोर्ट्स करता हूँ तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर इनटू स्पोर्ट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, सो फिटनेस अपने आप ही ठीक रहती है। पर कोई वजह से नहीं मैं करता, मैं इंजॉय करता हूँ, मुझे मज़ा आता है, इसलिए मैं करता हूँ। चलिए, अब आखिर में हम सुनना चाहेंगे कि आपकी वो 2.5 किलो का हाथ तो हमारा फेवरेट डायलॉग है और हमेशा रहेगा, लेकिन सबका रहेगा, लेकिन इस फिल्म का आपका फेवरेट डायलॉग जो है आप? मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मेरी इस फिल्म का जो डायलॉग है जो मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ वो ये है, अगर हम सच के साथ हैं तो हमें जीतने तक हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल, और ये ऐसी शख्सियत है जीतने तक हार नहीं मानती है, जो इसीलिए दोबारा घायल करने के लिए आ रही है बॉक्स ऑफिस पर। सनी, समय से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।